हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स खाना खजाना। आज हम बना रहे हैं दही ब्रेड उपमा। अक्सर हम आगे पीछे की ब्रेड नहीं खाते हैं, उसे छोड़ देते हैं, पर जब हम उससे दही ब्रेड उपमा तैयार करते हैं तो बहुत ही चटपटे और टेस्टी तैयार होते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। दही ब्रेड उपमा बनाने के लिए मैंने लिए है ये 5 पीस ब्रेड। अक्सर हम ये पीछे और आगे की ब्रेड खाना पसंद नहीं करते, पर जब ये दही के साथ इसका उपमा बनेगा तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको हम छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। पहले ऐसे कर ले, फिर इसको घुमा के फिर ऐसे कर ले। सारी ब्रेड इसी तरह काट ले। ये हमने सारी ब्रेड को अपने काट लिया है, इसे एक बोल में डाल लेते हैं। और ये मैंने लिया है 1/2 कप दही, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून नमक। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, सबको बारीक बारीक काट लिया है। एक मीडियम प्याज, एक छोटी सी शिमला मिर्च, एक छोटा सा मैंने आलू भी लिया है, इसको बहुत ही छोटा छोटा काटा है। और ये एक छोटी सी गाजर भी, जिसे छोटा छोटा काट लिया है। और ये थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार ले लें। गैस पे मैंने अपना एक लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून सरसों, इसे होने देंगे। अभी ये सरसों हमारी चटक गई है। अब इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी आलू, क्योंकि आलू को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पहले हल्का सा इसको हम फ्राई कर लेंगे। आप इसमें अपनी मनपसंद और भी सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे थोड़े से स्वीट कॉर्न डाल दें या थोड़े से हरे मटर डाल दें। आलू चाहे तो व्हाइट भी कर दें। आलू थोड़े से हमारे हो गए, अब मैं डाल दूंगी इसमें अदरक और हरी मिर्च। 1 मिनट इसे भी चला लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ये सारी सब्जियां एक साथ, और इसे भी 1 से 2 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और इसे क्रंची ही रखेंगे, हमें इसे ज्यादा गलाना नहीं है। सब्जियां हमारी फ्राई हो गई हैं। अब हम एक बार गैस को बंद कर देंगे, और गैस बंद करने के बाद ही जो हमने दही फेटा था वो डालेंगे। अगर हम बहुत ज्यादा गर्म इसमें कढ़ाई में अगर हम दही डाल देते हैं और गैस जल रही है तो दही फट सकता है, इसलिए इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होने दें और फिर दही डाल दें। अब गैस को ऑन कर लें और इसे चलाते हुए 1 मिनट तक पकाएं। दही अच्छे से पक गया है। अब हम अपने डाल देंगे ये ब्रेड के जो हमने पीसेस करे थे, और अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। दही और गैस बंद कर देंगे। दही के ब्रेड उपमा बनाने से, दही डालने से एक तो ब्रेड हल्की सी मॉइस्ट हो जाती है और इसमें दही का टेस्ट बहुत बहुत बढ़िया आता है। ये हमारे चटपटे दही ब्रेड उपमा एकदम तैयार है। अगर आपके पास तैयारी रहती है तो इसका कुकिंग टाइम सिर्फ 5 मिनट से लगता है, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इसे बनाएं, खाएं और बताएं कि आपको कैसे लगे।